जब भी आपका एग्जाम शुरू होने वाला होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, और वह समस्या ये है कि आपको कम समय में बहुत ज्यादा सिलेबस तैयार करना पड़ता है। और यह समस्या उन स्टूडेंट के साथ आती है जिन्होंने शुरुआत से कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसके कारण वो थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अब एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा फास्टेस्ट वे टू कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस इन लेस टाइम, यानी कि कम समय में अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके बताऊंगा पढ़ाई करने के, जिससे आप कम समय में ही पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। एक बात और आप ध्यान में रखना, इन टिप्स को फॉलो करने के बाद आपके पास चाहे कितना भी कम समय क्यों ना हो, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करोगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। जो सबसे पहली टिप्स है वो है अपने सिलेबस को डिवाइड कर ले। मेरे कहने का मतलब है कि जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें एक जगह लिख लीजिए, और जो एग्जाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें अलग जगह लिख लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि नहीं सर, हम सिलेबस में कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, क्या पता अनइंपॉर्टेंट टॉपिक में से ही क्वेश्चन पूछ दे तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जहां से तीन साल में एक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो वही टॉपिक हुआ ना जहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां पर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अनइंपॉर्टेंट टॉपिक को स्किप करना है, आपको उनको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन आपको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़नी है जहां से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, और फिर आपके पास टाइम हो तो अनइंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी पढ़ ले। और आपको सीक्वेंस यहां पे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, और जितने भी टॉपर्स होते हैं ना वो भी यही करते हैं कि पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं बाद में अनइंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं। और यहां पर कुछ बच्चों को परेशानी हो सकती है कि सर हम अपने सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक को कैसे पहचाने, कैसे ढूंढे। तो इसके लिए आपको पुराने सैंपल पेपर देखने होंगे, उसी से आपको पता चलेगा कि कहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकेंड टिप से कि आप जो भी पढ़े उसके नोट्स बनाएं। देखिए, नोट्स बनाने का यह फायदा होगा कि आप जब रिवाइज करोगे तो आपको बुक पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको अपने नोट्स को पढ़ना है। इससे होगा क्या कि आपको टाइम भी बचेगा और आपकी चीजें लंबे समय तक याद भी रहेगी। और वहीं दूसरी तरफ आप जरा इमेजिन करके देखो कि कल आपका एग्जाम है और आपके पास कोई नोट्स नहीं है और आप टॉपिक को रिवाइज करने के लिए बुक पलट रहे हो, तो ये आपके लिए कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा। जहां नोट्स बनाकर आप एक घंटे में 10 टॉपिक रिवाइज कर सकते हो, वहीं पर आप सिर्फ 2 या 3 टॉपिक रिवाइज कर पाओगे। इसलिए नोट्स बनाकर पढ़ाई करना बहुत जरूरी है आपके लिए। जो तीसरी टिप है कि आप किसी चैप्टर को खत्म करने का एक डेट दे दे कि मुझे इस दिन तक इस चैप्टर को खत्म करना है, और डेट आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से देना। जैसे अगर आपको लगता है कि आप 7 दिन में कोई चैप्टर खत्म कर दोगे तो आप 7 दिन का टाइम दे देना उस चैप्टर के लिए, या आपको लगे कि आप 5 दिन में खत्म कर सकते हो तो 5 दिन का टाइम दे देना। और जब आप किसी चैप्टर को खत्म करने का डेट दे दोगे ना, तो आपका विजन क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस दिन तक खत्म करना है इस चैप्टर को। और डेट देने से क्या होगा कि आप खुद को मोटिवेट भी करोगे कि नहीं यार, मुझे किसी भी हाल में इस दिन तक ये चैप्टर खत्म करना है। एक बात और, जो डेट आपने दिया है किसी चैप्टर के लिए, कोशिश करना कि आप उसी डेट में उस चैप्टर को खत्म करने की, डेट एक्सटेंड करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आप जो डेट आपने दिया है उसी डेट में आप खत्म करने की कोशिश करना। तो ये दोस्तों कुछ टिप्स थी जिनकी हेल्प से आप अपने सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, फास्टेस्ट वे से कंप्लीट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।